अब मैं चलती हूँ अपने पिताजी के पास, क्योंकि मैं हर सोमवार संतोषी माँ का व्रत रखती हूँ और आज मेरा लास्ट व्रत है, तो मैं मंदिर पूजा करने जाना चाहती हूँ। इसलिए पिताजी से चलती हूँ, आज्ञा लेती हूँ, फिर मंदिर की तरफ चलती हूँ। और चरण कमल में आपके हर बेटी झुकावे जी। पिताजी आज क्या बात है, आज बहुत खुशी हो, खुशी का कारण है क्या अपने पिताजी से नहीं बताओगी? क्यों नहीं बताऊंगी पिताजी। बोलो बेटी। पिताजी आप तो जानते हैं कि मैं हर सोमवार संतोषी माँ का व्रत रखती हूँ, आज मेरा लास्ट व्रत है, तो इसलिए मैं आपसे पिताजी कहना चाहूंगी। बोलो बेटी। सुनिए पिताजी, और मेरे प्यारे पिता, मेरे अच्छे पिता, आज्ञा दे दो मैं जाऊंगी पूजा करना, और शाम से पहले घर वापस आ जाऊंगी, आज्ञा दे दो पिता। आखिरी व्रत है जी पिताजी, और मंदिर के लिए सारी तैयारियां हो चुकी, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस मैं सोची चलती हूँ पिताजी से आज्ञा ले लेती हूँ। तो साथ से पूजा करने को जाओ लली, कोई चिंता न करना किसी बात, पैसे की हो और जरूरत तुम्हें मेरी बेटी जाना, लेकिन जब मंदिर से वापस आना तो प्रसाद हमें भी लेकर आना। अवश्य पिताजी। राय दरबारी मंदिर हमारी बेटी जा रही है, सारी तैयारियां सारी सामग्री तत्काल इकट्ठा कर दिया जाए। अरे पूरा सामान इकट्ठा कर दोगे? नहीं तुमको नहीं ले जाऊंगी, चार दिन हो जाते नहाते नहीं हो। अरे आप ज्यादा दिन रहे पे खिचड़ी का नहा वहा, इतने दिन बाद नहाते हो? मंदिर नहा धो के जाया जाता है, ऐसे ही नहीं जाया जाता। बतासा लेता है भला? ए! बतासा होता है? हाँ, बतासा लेता है। एक कोहनी जगनेटर वाले वोल्टेज कम कर दिए थे। अच्छा सुनो, अब मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए, मैं तुम्हें प्रसाद लेकर आऊंगी, ठीक है? प्रसाद लाइक
पूरा समझ ली हो। हाँ ठीक, मैं चलती हूँ। हेलो, आप है श्रीमान राजेश पाल हलवाई, सुनील पाल हलवाई, राजा हलवाई, राजू लाइनमैन, राजू गैस वाले, जयराज पाल ट्रक वाले, इन लोगों की तरफ से 11 रुपए पार्टी हार्दिक स्वागत करते हैं। क्या बताऊं, आज क्या मैंने देखी और क्या सुनी कि मेरे पापा कितना मुझे चाहते हैं और कितना बिंदिया को। आज उन्होंने उस आराम दादी को पूजा करने की इजाजत दे दी और वो गई मंदिर पूजा करने के लिए, और मुझे नहीं, अगर ये आराम दादी वहां पूजा करने जाएगी तो कहीं मेरे अमृत ना आ जाए, वरना अनर्थ हो जाएगा। या भगवान, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है भगवान कि यार मेरे अमृत को ऐसा कुछ काम दे दे मालिक कि वो मुझसे मंदिर मिलने के लिए ना आए। ये मेरी आपसे विनती भगवान, मेरे अमृत को कुछ ऐसा काम दे दे मालिक। अरे मेरी विनती सुने तो जानो, अरे मानो तुझे मेरा, अरे राम नहीं तो कर दूंगी सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा ए बड़ा नाम, आज तुझसे मेरा बड़े राजू गैस वाले, जयराज पाल ट्रक वाले, इनकी तरफ से 11 रुपए पार्टी हार्दिक स्वागत करते हैं। क्या बताऊं, इस समय 9 बजने वाले हैं और हमने भी सैला से वादा किया है कि 9 बजे हम तुम्हें जरूर मंदिर पे मिलेंगे। चलो नहीं, मेरी भी सैला यही कहेगी कि अमृत झूठे हैं, वादे करके अपने वादे को भूल जाते हैं। चलते हैं मंदिर और इसी मंदिर में अपनी बिसेला से जी भर की बात करेंगे। अरे आज सुबह जब मैं जगा, अरे तेरी कसम है सा लगा कि तूने मुझे याद किया है,
श्रीमान राजेश हलवाई, सुनील हलवाई, राजा हलवाई एंड राजू गैस वाले, राजू लाइन मैन, जय राज ट्रक वाले 11 रुपए दे रहे पार्टी, हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ, अब चलते हूँ मंद पूजा की थाली ज्योति बल की जगाली तेरे चरणों में मारू भोली तुझे दे दे सहारा जीवन का तारा तेरे चरणों में मारू भोली हो मैं श्रीमान राजेश हलवाई, सुनील हलवाई, राजा हलवाई, राजू लाइन मैन, राजू गैस वाले, जय राज ट्रक वाले 11 रुपए दे रहे हैं पार्टी, हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर घर के लिए चलती हूँ, चलते हैं पूजा करने। प्यार में लोग दीवाने हो ना
मैं तो सोचा कि मैं विशैला से पहले जाऊंगा, लेकिन हमें लेट हो गया। हमारी विशैला हमसे पहले आकर के यहाँ पूजा में व्यस्त थे, लेकिन हम इनसे बात करें तो हम कैसे बात करें? हम बात नहीं करेंगे, चलते हैं पहले मजाक करते हैं, पीछे से अपनी विशैला की आंखें बंद कर लेते हैं, चलते हैं। तेरे नाश हो जाए कुत्ता कहेगा, तेरा हिम्मत कैसे हुई मेरी आंख बंद करने की? देखिए मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी धोखा हुआ। आराम जादे तूने मेरी पूजा खंडित कर दी और मैं कहता हूं तुझे मुझे बदतमीज कहेगा। अरे ऐसी गलती अरे दोबारा नहीं पाऊंगी, तुम माफ कर दीजिए। और ये खता माफ करने के काबिल, और तेरे जैसा कोई जग में काबिल। तेरे जैसा कोई जग में आराम जदे तो यह मंदिर में कैसे आया? कैसे आया मंदिर में? हम आपको जानकर के नहीं आए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या कहा? हमसे जो भी आए सब अनजान में हुआ। तो यहाँ मुझे जान के नहीं आया? नहीं आया तो यहाँ किसे जान के आया है? किसे जान के आया है? बोल यहाँ किसे जान के आया? हम उसका उसका नाम नहीं जानते। अरे जब नाम नहीं जानता तो मिलने कैसे चला आया बिना नाम?
अगर उसका नाम नहीं जानता तो ये तो जानता होगा कि वो कौन से कलर के कपड़े पहनने थे। कपड़े, अरे वैसे तो विद्यालय में बच्चे सारे पहनते हैं, वो तो एक स्कूली ड्रेस था। स्कूली ड्रेस? हाँ। हराम ज्यादा झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, बिंदिया से झूठ। तुझे सब मालूम है, तुझे उसका नाम भी मालूम है और तुझे उसका सब कुछ मालूम है, बोल उसका क्या नाम था। हम आपसे झूठ नहीं बोलते, हम सच कहते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम तुमका क्या नाम है। कुछ नहीं मालूम है। और तुझे नाम उसका बताना नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम। तो ऐसे नहीं बताएगा, ऐसे नहीं बताएगा ना हराम ज्यादा, तो ऐसे मुझसे बच के कैसे जा सकता है। पर देखिए उधर तुम्हें कोई बुला रहा है। हराम ज्यादा, तुझे अपने पिताजी के पास ले जाऊंगी। लेकिन तुम्हें कोई बुला रहा है उधर? बुला रहा है उधर, देखो हराम ज्यादा कहाँ बुला रहा है, झूठ बोलता है। नहीं हराम जाते, तो मुझसे बच के नहीं जा सकता। अरे तो मिदिया से नहीं बन सकता, तेरा पीछा करती हूँ। और हराम जाते अभी चल के अपने पिताजी से शिकायत करती हूँ तो बच के कहाँ जाता है। मेरे पिताजी तो तुझे चुटके में पकड़ा लेंगे, चलते हो पिताजी को। मेरे दोस्त राजेश सिंह, क्या बात है धागो साहब? हमारी बेटी बिंदिया पूजा करने के लिए मंदिर गई हुई है, अभी तक वापस नहीं आई। कोई बात है, इसका इंतजार करो, आती होगी। आओ। आपके राज में कोई कुछ भी करे, आपकी साल साई। क्या कहा
अनिता ने मंदिर में जाकर के हाँ तेरे बदन में हाथ लगा दिया। उसने कर दिया हरामजादे ने, उसने मेरी आंखें बंद की पिताजी। हराम चौथे तुझसे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है राजेश सिंह, हमें अमीरता चाहिए अभी इसी वक्त। इस तरह दादा ने हमरे पिता के बदन पर हाथ लगा है, मैं चुता खाओ जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अभी जाता हूँ इसके चुता के बैठ। रुक जाइए, अरे उसने हरामजादे ने मेरा अपमान किया है और उसका बदला मैं अपने हाथों से खोल लूंगी, उसे अपने हाथों से मारूंगी हरामजादे को। अगर इस तरह दादा ने तेरे बदन पर हाथ लगाए तो तुझे हमने कसम इस कुत्ता को पिताजी